नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आप अगर एक नए बिजनेस की तलाश में हैं तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया बिजनेस लेकर के आया हूँ जो गांव में आप रह करके उसको कर सकते हैं और उससे 3 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्त, जो मैं आपको बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूँ वो 3 गुना मुनाफा कमा सकते हैं उसको। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही काम की वीडियो है और ये इस बिजनेस को मैं भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी करो। जी हाँ दोस्त, तो आपको क्या करना है कि आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको हल्दी, कच्चा हल्दी खरीद करके रखना है, स्टॉक करना है। कच्चा हल्दी जो होता है, देसी हल्दी होता है, उसको खरीद करके आपको स्टॉक करना है और उसको आपको ले जा करके उस जगह बेचना है जहाँ पर हल्दी नहीं पैदा होता है। हल्दी का मतलब हल्दी जहाँ पे फसल, हल्दी का फसल नहीं होता है वहाँ ले आकर के आपको उसको बेचना है। दोस्तों ये वो 3 गुना मुनाफा होता है। अगर यहाँ से आप 5 रुपए किलो खरीदते हैं जहाँ पे हल्दी पैदा होता है, तो आप उसको ले जा करके जहाँ हल्दी नहीं मिलता है वहाँ कच्चा हल्दी आप 15 रुपए किलो बेच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्त, इस तरह से आप बिजनेस अच्छा हम करते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से आप बिजनेस अच्छा खासा कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफा है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम स्टॉक करके रखते हैं तो डेली बाय डेली खरीदा जाता है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्त तो आप देख सकते हैं कि ये हल्दी है, इसको मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ। ये हल्दी है, इस तरह से हम लोग खरीद करके इसको स्टॉक करते हैं और ऐसे जगह लाकर ले जा करके बेचते हैं जहाँ पे हल्दी नहीं बोया जाता है, हल्दी का फसल नहीं होता है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरह से स्टॉक कर करके आप वहाँ ले आ करके बेच सकते हैं जहाँ पे हल्दी नहीं मिलता है, तो वहाँ आपको 3 गुना मुनाफा मिलेगा और आपको अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है दोस्त, क्योंकि हल्दी का बिजनेस है, ये हर जगह नहीं होता, तो इसमें आप 3 गुना के 5 गुना भी कमा सकते हैं। जब जिस टाइम मिलेगा नहीं तो उस टाइम तो आपको 5 गुना रुपए देकर हल्दी तो खाना ही है, हर घर की ज़रूरत है तो लोग पैसे देंगे ही देंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये हमने स्टॉक करके रखा है, 50 किलो होगा, तो इस तरह से स्टॉक किया जाता है। दोस्त आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हमने स्टॉक किया हुआ है, रखा हुआ है, उसी तरह से आपको भी करना है, उसको खरीद करके और आपको रख लेना है कच्चा हल्दी। आप चाहे तो उसका सौंठ बना करके मतलब सुखा करके पीस करके भी बेचेंगे तो वो तो 10 गुना मुनाफा मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे भी बेचेंगे खरीद करके और उसको वहाँ ले आकर के बेचेंगे जहाँ नहीं मिलता है वहाँ आपको 3 गुना मुनाफा मिलेगा। अगर 5 रुपए किलो खरीदते हैं तो वो 15 रुपए किलो बिकना है जहाँ पर नहीं मिलता है, और ये सब जगह नहीं होता है, ये केवल गाँव ग्रामीण इलाकों में होता है और ये हल्की मिट्टी पर होता है। जी हाँ दोस्त, धूस की मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे ये इसका पैदावार होता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा यार, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।